हम लोगों ने पढ़ा है मोशन दो तरह का होता है, दो तरह का कैसे, एक जब वो स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल चलता है दैट इज ए लीनियर मोशन, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसका नाम हमने क्या रखा था, ट्रांसलेशनल मोशन, करेक्ट। उसी तरह से एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हर पार्टिकल अगर एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो उसका नाम क्या है, रोटेशनल मोशन। दो तरह के मोशन होते हैं। अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हमको क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, खड़े हुए ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों होगा, व्हाट इज कॉज ऑफ द मोशन। तो कॉज ऑफ द मोशन जो है उसका हमने नाम रखा फोर्स। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स अगर कॉज ऑफ मोशन है तो हमारे पास तो दो तरह के मोशन है। अगर दो तरह के मोशन है तो क्या फोर्स दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है यस, फोर्स दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरह से फोर्स दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फोर्स को लगाने का जो मेथड है उससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा मोशन पैदा होगा। तो फोर्स हम दो तरह से लगा सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। अब अगर इस सेंटर ऑफ मास पर हमने फोर्स लगाया, स्ट्रेट लाइन में अगर फोर्स लगाते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास है, ये फोर्स। अगर इस तरह से हम फोर्स लगाते हैं तो ये पूरा सिस्टम एज इट इज इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ऐसा मूव करना शुरू कर देगा और ये वाला मोशन कहलाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। ये हमने फोर्स लगाया, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका देखिए फोर्स लगाने का। उस फोर्स लगाने के तरीके में हम अपने फोर्स की लाइन बदल देते हैं। अब उसकी लाइन हम कैसे करते हैं कि हमने यहां फोर्स लगाने की बजाय यहां फोर्स लगाया, ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स लगाने का। अगर ये उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा में चलेगा? तो आंसर है नो, अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। तो किधर चलेगा बताइए? ये यहां से हमने ऐसे फोर्स लगाया ये ऊपर, और ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह का है। यहां पर हमने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया और यहां पर फोर्स लगाया ये, तो ये यहां पर एक एंगल बनाता है। अगर ये यहां पर एंगल बनाता है तो ये कौन सा मोशन शुरू हो जाएगा? एंगुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फोर्स ने एंगुलर मोशन स्टार्ट किया, ये फोर्स ने एंगुलर मोशन स्टार्ट किया और ये बॉडी ऐसे यहां से घूमने लगी। तो ये वाला जो फोर्स है वी विल कॉल इट फोर्स बट एंगुलर फोर्स। ओके, अब ये जो दोनों फोर्स हैं ये अपना अपना एक इफेक्ट पैदा करते हैं। पहले वाले फोर्स ने एक लीनियर मोशन का इफेक्ट पैदा किया, दूसरे ने रोटेशनल मोशन का इफेक्ट पैदा किया, ठीक है। सो ये वाला फोर्स एंगुलर मोशन का इफेक्ट पैदा करता है एंड दिस इज नोन एज एंगुलर फोर्स। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट बोथ टाइप ऑफ मोशंस, वेदर इट इज लीनियर मोशन और वेदर इट इज ए रोटेशनल। सो फोर्स हैज ए टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट कौन से फोर्स में हुआ? इस फोर्स में हुआ। दिस फोर्स हैज ए टर्निंग इफेक्ट, दिस फोर्स डज नॉट हैव ए टर्निंग इफेक्ट, इट हैज ए लीनियर मोशन इफेक्ट। अच्छा, अब टर्निंग इफेक्ट से कोई चीज टर्न हो सकती है, टर्न होने के लिए ही हमने मोशन का नाम क्या दिया, रोटेशनल मोशन। ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है, इफेक्ट फोर्स नहीं, फोर्स का एक इफेक्ट जो कि उसको घुमाएगा,
उस इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। फिर से व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स किस तरह से लगना चाहिए? तो फोर्स लगाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? दिस फोर्स शुड नॉट बी इन लाइन विद सेंटर ऑफ मास, नंबर एक। नंबर दो, देयर शुड बी सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक पॉइंट कहीं फिक्स होना चाहिए, भले ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट फिक्स हो जिसके चारों तरफ ये बॉडी घूम सके, वो फिक्स पॉइंट है। और जब हम ये फोर्स लगाते हैं, देयर हैज टू बी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द फोर्स, तब ये फोर्स कैसा हो जाएगा? एंगुलर फोर्स, क्योंकि ये एंगुलर मोशन स्टार्ट करेगा। और ये जो इफेक्ट देगा बॉडी को, जो बॉडी को ये इफेक्ट देगा, जो ताकत देगा, वो घूमने की ताकत होगी। वो जो घूमने की ताकत होगी, उसका नाम हमने क्या रखा? टॉर्क। तो टॉर्क किसी बॉडी को घुमाने की ताकत रखता है। इसी को उल्टा कर दो, घूमती हुई बॉडी को रोकने के लिए हमको कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो घूमती हुई बॉडी को रोकने के लिए हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एंगुलर फोर्स होगा, और वो एंगुलर फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा। किस तरह से? एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक व्हील है, इस व्हील को हम घुमाना चाहते हैं। अगर हम इसको घुमाना चाहते हैं तो यहां पर फोर्स लगाएंगे तो ये नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि ये टॉर्क क्रिएट नहीं कर पाएगा। टॉर्क क्रिएट करने के लिए जो फिक्स पॉइंट है, ये अगर हमने पॉइंट फिक्स किया, तो इस फिक्स पॉइंट से एक नॉर्मल डिस्टेंस हमको चाहिए। ये यहां पर नॉर्मल डिस्टेंस नहीं, तो ये वाला फोर्स इसको घुमा नहीं सकेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पर फोर्स लगाते हैं, ये ऐसा फोर्स लगाते व्हील पे, यहां पर इसकी एक्सिस बनाते हैं। जैसे ही ये फोर्स लगाते हैं, ये व्हील ऐसे टर्न होना शुरू हो जाता है। तो फोर्स ने क्या दिया? टर्निंग इफेक्ट। वो जो टर्निंग इफेक्ट दिया, उसको क्या कहेंगे? टॉर्क। अब ये एक व्हील अपनी जगह पर घूम रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, हम इसको रोकना चाहते हैं। रोकने के लिए ये इसकी एक्सिस है, यहां पर हमने फोर्स लगा दिया। कैसे ये फोर्स लगा दिया? फोर्स इस तरह से लगाया कि एक पंखा घूम रहा है। अगर ये फैन घूम रहा है और यहां पर इस तरह से घूमता है फैन, जब ये ऐसा घूम रहा है, ये वाले को हमने ऐसे पकड़ लिया, एकदम पतली सी इसकी एक्सिस है, उस एक्सिस को हम पकड़ते हैं, फैन नहीं रुकता है। लेकिन जब हम यहां ब्रेक लगाते हैं तो फैन रुक जाता है। तो यहां पर अगर हम इसको पकड़ते हैं, तो रॉड को पकड़ने से पंखा ऐसा चल रहा है, हमारे फोर्स लगाने से पंखा नहीं रुक रहा है। लेकिन यही पकड़ अगर हम उसके ब्लेड को दें, ब्लेड को अगर हम पकड़ लेंगे तो पंखा रुक जाएगा, क्योंकि ब्लेड में हम फोर्स यहां लगाते हैं, और ये यहां से डिस्टेंस हो गया। तो फोर्स जो कि सेंटर पर नहीं है, वो फोर्स इसमें एंगुलर मोशन को रोक देता है। तो इसने फोर्स ने क्या क्रिएट किया? एक टॉर्क क्रिएट किया। तो इस तरह से हम किसी चीज को मूव कराना चाहते हैं रोटेशनल मोशन में, तो हमको जो चीज इफेक्ट, जो इफेक्ट पैदा करना पड़ता है, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? टॉर्क। इसी तरह से एक घूमती हुई चीज को जब हम रोकना चाहते हैं, तो जो इफेक्ट हमको लगाना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? टॉर्क। तो व्हील पर जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक क्या अप्लाई करती है? टॉर्क। तो ये होता है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। अब इस टॉर्क को बनाता कौन है? कैसे ये टॉर्क बनता है? किस तरह से ये टॉर्क लगता है? किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं? इसको देखिए, इस क्वांटिटी को अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टॉर्क कौन लगाता है? तो आंसर है, टॉर्क एक कपल ऑफ फोर्स लगाता है।
फोर्स लगाता है, ऑफ कोर्स एक अकेला फोर्स टॉर्क नहीं लगा सकता, हमेशा हमको एक कपल चाहिए यानी एक जोड़ी चाहिए। कैसे जोड़ी चाहिए, हम लोग सब जानते हैं, यूज करते हैं, हमारे साइकिल का हैंडल, बाइक का हैंडल, हम उसको रोटेशनल मोशन देना चाहते हैं, कितने हाथ यूज करते हैं, दो, और ऐसे उसको घुमाते हैं, ये दोनों हाथ मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं, कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं, और ये फोर्स ये आगे जाएगा, ये पीछे आएगा, ये ऐसा चलेगा और टर्निंग इफेक्ट इसका बनेगा, हैंडल घूम जाएगा, इस कपल ने टॉर्क क्रिएट किया। इस तरह से टॉर्क हमेशा कपल क्रिएट करता है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब हम एक हाथ से हैंडल को पकड़ के घुमाते हैं तब भी घूमता है, दरवाजे को एक हाथ से धक्का देते हैं तब भी घूमता है, सिंगल फोर्स, उस सिंगल फोर्स ने टॉर्क बनाया। तो हमारा आंसर है नहीं, ये हमारे सोचने की गलती है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। किस तरह से, देखिए ये हमारे पास एक डोर है, इस डोर में यहां पर हिंज लगी हुई है और हम इसको घुमाना चाहते हैं। अगर हम इस डोर को घुमाना चाहते हैं तो यहां पर हम फोर्स लगाते हैं, ये एक डोर है, इस डोर पर हम यहां फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा डोर ऐसे ऊपर उठ जाता है, इस तरह से फोर्स लगाया, ये डोर पूरा ऊपर उठ गया। अब हम क्या करते हैं, यहां एक हिंज लगा देते हैं, कब्जा लगा देते हैं, एक हिंज हमने यहां लगाई और दीवार के साथ इसको फिक्स कर दिया। अब फिर से हम यहां पर फोर्स लगाते हैं, अब जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये पॉइंट कैसा हो गया, स्टेशनरी पॉइंट, या पॉइंट नहीं हिल सकता, ये पॉइंट नहीं हिलेगा, ये पॉइंट हिलेगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन पहले तो ये भी ऊपर जाता था, अब ये भी ऊपर जाना चाहता है, ये वाला फोर्स हमने लगाया, ऊपर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इस कब्जे ने, इस हिंज ने इसको यहां पर पकड़ लिया है। हम जो फोर्स लगाते हैं उसका क्या होता है, तो आंसर है हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स के रिप्लाई में यहां पर एक फोर्स ऑफ रिएक्शन पैदा हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ से। हमने फोर्स लगाया दरवाजे पे, दरवाजे पर वो जो एक कब्जा लगा हुआ है, कब्जे पर फोर्स लगा तो कब्जे ने दरवाजे पर किधर फोर्स लगाया, नीचे की तरफ, नहीं तो दरवाजा तो ऊपर उठता। अब ये दरवाजा ऊपर क्यों नहीं उठता है, अगर हम इसको ऐसा करते हैं और यहां से पकड़ लेते हैं तो ये ऊपर नहीं उठा, ये ऊपर नहीं उठा, लेकिन अगर हम यहां से पकड़ हटा दे तो ये ऊपर उठा, और ये पकड़ लिया, फिक्स कर दिया, ये नहीं उठा। तो अब जो हमारा यहां फोर्स लग रहा था ऊपर उठाने वाला, वो कहां गया, इससे हमने बैलेंस कर दिया, तो इसने फोर्स कहां लगाया, इस पर, किधर लगाया, नीचे, उसने हमारे ये फोर्स को कैंसिल किया। अब इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, इधर से हम कहां फोर्स लगा रहे, ऊपर, और इधर से उंगली से कहां फोर्स लगा रहे, नीचे, अगर ये दीवार से बंधा है तो दीवार कहां फोर्स लगा रही है, नीचे, तो एक फोर्स फिक्स पॉइंट पर नीचे की तरफ लगता है और एक दूसरा फोर्स हम यहां पर ऊपर की तरफ लगाते हैं, दो फोर्स लगे। अगर ये दो फोर्स लगे तो क्या बन गया, कपल ऑफ फोर्स, इस कपल ऑफ फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता है, दरवाजा घूमता है, साइकिल का हैंडल हमने ऐसे पकड़ा है, एक हाथ छोड़ दिया, जब हम एक हाथ ऐसे घुमाते हैं तो उसका जो सेंटर है उस सेंटर पे रिएक्शन का फोर्स काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, हमने ये इधर लगाया, इधर रिएक्शन का फोर्स इधर लगा, जोड़ी बन गई फोर्स की, कपल ऑफ फोर्स बन गया, तो कपल ऑफ फोर्स बनने से टॉर्क क्रिएट हो गया। तो टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट कब क्रिएट होता है, जब हम किसी बॉडी पे कपल ऑफ फोर्स लगाते हैं, कपल, अब कपल ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखिए कि कपल ऑफ फोर्स हम कैसे लगाते हैं। तो
तो आंसर है कपल ऑफ फोर्स किसी एक सिस्टम में हम लगा सकते हैं। इसकी शर्त क्या होती है? देयर शुड बी टू फोर्सेस। There should be two forces. The forces should be applied at different points. Number two, number three, number one. There are two equal and opposite forces. Equal and opposite. Number two, applied at different points. Number three, there should be some distance, perpendicular distance. Should have some perpendicular distance. Between them. ये तीन शर्तें देख लीजिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, हाउ मेनी? टू। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन सेम बॉडी। और कहां लगने चाहिए? अप्लाइड एट डिफरेंट पॉइंट, एक ही पॉइंट पर नहीं होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट पर लगने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? दे शुड हैव सर्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। होगा अगर वो एक ही पॉइंट पर नहीं लगेंगे तो उन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे अगर ये एक बॉडी है, एक फोर्स हम यहां लगा रहे हैं और एक फोर्स यहां लगा रहे हैं, ये यहां लगा रहे हैं। अब ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर नहीं है देन दे विल नॉट क्रिएट एनी टर्म। इसलिए दोनों की डायरेक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। देन इट विल मेक ए कपल ऑफ फोर्स। दिस इज नॉट ए कपल ऑफ फोर्स। ये किस तरह का फोर्स बना? ये हमने बॉडी ली और इसमें ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और ठीक इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाया। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, अप्लाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कपल ऑफ फोर्स नहीं बना रहे, टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इसको हमने यहां लगाया, इसको हमने यहां लगाया, अब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ इट विल क्रिएट ए टॉर्क। टॉर्क मींस व्हाट? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये टर्निंग इफेक्ट इसने क्रिएट किया। तो ये हुआ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क। तो टॉर्क कौन क्रिएट करता है? आंसर है ए कपल ऑफ फोर्स क्रिएट्स ए टॉर्क। अच्छा, अब उसके बाद टॉर्क को मेजर कैसे करेंगे और टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है? इज इट हैविंग डायरेक्शन और इज इट हैविंग नो डायरेक्शन? देन हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द टॉर्क? टॉर्क एक कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करता है और ये एक रॉड है, इस पर हमने एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया और ये कपल ऑफ फोर्स है, इसलिए दोनों फोर्स की क्वांटिटी सेम होगी। इस रॉड में एक ऐसा पॉइंट है जो फिक्स रहेगा, बाकी पॉइंट उसके चारों तरफ घूम सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, लेट अस से दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। यहां से इसका डिस्टेंस आर वन है और यहां से इसका डिस्टेंस आर टू है। ओके, देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्सेस? मोमेंट ऑफ फोर्सेस एफ जो है ये कितना मोमेंट क्रिएट करेगा? एफ मल्टीप्लाइड बाय आर। F मल्टीप्लाइड बाय R1 या R1 मल्टीप्लाइड बाय F। इसने कितना फोर्स क्रिएट किया? R2 मल्टीप्लाइड बाय F। दोनों ने मिलाकर कितना मोमेंट क्रिएट किया?
मोमेंट क्या होता है, जिस रोटेशनल मोशन में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द आर ऑफ रोटेशन हमको क्या देती है, मोमेंट। जहां मोमेंट शब्द लगा, मोमेंट ऑफ मास, मास मल्टीप्लाइड बाय आर, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर, ऐसा। ओके, तो इसमें मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकालने, ये मोमेंट, ये मोमेंट। अब ये जो मोमेंट है एफ इनटू आर, इसका इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन रोटेशनल मोशन में कौन सी डायरेक्शन है। तो जब एफ हम इधर लगाएंगे इस आर वन के साथ ऐसे, तो मान लीजिए ये साइकिल का हैंडल है, ये सेंटर है, इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसको कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसा रखा, यहां फोर्स लगाया और ऐसा घूमा, तो ये कैसा घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो मोमेंट की, रोटेशनल मोशन की हर क्वांटिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव, कैसी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होने से पॉजिटिव। तो आर क्रॉस एफ, आर एफ, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब यहां पर आर टू एफ, ये आर टू और ये एफ, ये आर टू एफ, इसकी क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, एफ ने इसको ऊपर घुमाया, ऐसे घुमा, तो ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज आंसर है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस कितना हो गया, आर वन एफ एंड आर टू एफ, ये टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। और यही जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, दिस इज टॉर्क। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, दिस इज टॉर्क। अब इस टॉर्क को हमने थोड़ा और छोटा किया, दोनों में एफ कॉमन निकाला, तो यहां क्या बचा, आर वन प्लस आर टू इंटू एफ। आर वन प्लस आर टू, ये आर वन, ये आर टू, इस पूरे का डिस्टेंस हमने मान लिया आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ। ये टॉर्क का फॉर्मूला हुआ, आर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू फोर्स। व्हाट इज आर, आर इज द टोटल फोर्स बिटवीन, सॉरी, आर इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये आर इंटू एफ किया, दिस बिकम्स द टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द कपल ऑफ फोर्स। अब आप देखिए इसमें फोर्स दो बार नहीं आया, फोर्स एक ही बार आया, पर ये कौन सा फोर्स है जो दोनों तरफ लग रहा है, और ऐड कौन हो गया, आर वन और आर टू ऐड हो गया, इसलिए हमको आर भी एक ही दिखता है। अब इस एग्जांपल को डोर के एग्जांपल में हम देखते हैं, ये हमारा एग्जांपल है डोर का, ये डोर की विड्थ है आर, यहां पर हमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ये फोर्स है एफ, और यहां पर एक कब्जा लगाया है, इस कब्जे पर रिएक्शन का फोर्स किधर लगेगा, नीचे। जैसे ही हम डोर पे फोर्स लगाते हैं ऊपर उठाने के लिए, ये कब्जा इसको रोक देता है, हिंज इसको रोक देता है, और रिएक्शन का फोर्स किधर लगाता है, नीचे। ये दोनों मिलाकर क्या क्रिएट कर देते हैं, कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करने से दरवाजा घूमना शुरू, किस पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा, तो आंसर है जो फिक्स पॉइंट है उसके चारों तरफ घूमेगा। फिक्स पॉइंट कहां है, हिंज पर है। तो हिंज से ये वाले फोर्स का डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो यहां F into R1 क्या हो गया, जीरो। हमको इससे मतलब नहीं है कि R1 या R2 कितना है, हमको टोटल चाहिए। R1 प्लस R2 क्या है, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, और यहां पर दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, जितनी दरवाजे की चौड़ाई है, या
दूसरे शब्दों में सुनिए, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू इज पॉइंट ऑफ वेयर द फोर्स इज अप्लाइड एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज आर, यही यहां पर आर बना है। तो ये हमने अपनी एक नई डेफिनेशन बना ली आर एफ, इसका मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। Force into distance from point of rotation. So this is tau. ये वही चीज है जो ये, कोई अंतर नहीं। कपल ऑफ फोर्स से हमने ये वाला बना लिया और यहां पर हम फोर्स कैसा लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इज वन, अप्लाइड फोर्सेस वन। तो इसमें हम इस बात को समझ रहे हैं कि कपल ऑफ फोर्स का दूसरा फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, कहां से आ रहा है, ऑटोमेटिक रिएक्शन से आ रहा है, लेकिन कपल ऑफ फोर्स तो चाहिए, पर हम कितने फोर्स लगा रहे हैं, वन। तो इस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग नॉर्मली सिंगल फोर्स लगाकर ही टॉर्क क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हमने एक नट बोल्ट का नट टाइट करना है तो हम ऐसे स्पैनर लगा के हाथ पकड़ के ऐसा सिंगल फोर्स क्रिएट करते हैं। बताइए कपल ऑफ फोर्स में इसका कपल कहां है? तो जो नट हम यहां पर जिस नट को ऐसे टाइट करना चाहते हैं, ये यहां पर हम स्पैनर लगाते हैं इस तरह से और इस स्पैनर को यहां से प्रेस करते हैं, तो ये वाला पोर्शन इसको ऐसे घुमाना चाहता है, ये वाला पोर्शन इसको ऐसे घुमाना चाहता है। इन दोनों ने क्या बनाया, कपल ऑफ फोर्स। हमारी एक फोर्स से यहां पर ऐसा कपल ऑफ फोर्स बना। इस तरह से हम कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करते हैं, एक अपना फोर्स लगाते हैं और एक फोर्स रिएक्शन का फोर्स बनता है। हर जगह पर इस तरह से क्रिएट करके हम टॉर्क बनाते हैं और उसके लिए हमने बड़ा सिंपल फॉर्मूला रखा, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इसमें कोई भी चीज में, एक छोटी सी चीज और, अगर हमको किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन लाना है, बॉडी को रोटेट कराना है, तो हमें क्या चाहिए, फोर्स या टॉर्क? तो आंसर है हमें टॉर्क चाहिए, क्योंकि रोटेशनल मोशन में रोटेट कौन करवा सकता है, टॉर्क करा सकता है, फोर्स नहीं करा सकता, क्या आंसर नहीं करा सकता, किस फोर्स की बात कर रहे हैं, लीनियर फोर्स। जैसे अगर मुझे एक दरवाजा बंद करना है, ये डोर है और मैंने फोर्स यहां नहीं लगाया, इधर इसका हिंज लगा हुआ है, हम यहां पर गए और यहां जाकर हिंज के पास हमने फोर्स लगाया, यहां जब हम फोर्स लगाते हैं, जिधर दरवाजे का कब्जा है, जिधर हिंज लगा है, वहीं पर हम हाथ लगा के फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता है, क्योंकि दरवाजे पे हमने एक रोटेशनल मोशन पैदा करना है, रोटेशनल मोशन के लिए उसको टॉर्क की जरूरत है। टॉर्क किससे क्रिएट होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से क्रिएट होता है। अब अगर हम यहां फोर्स लगा रहे हैं तो कब्जे से हमारा डिस्टेंस जीरो, तो कितना टॉर्क क्रिएट हुआ, जीरो। अगर जीरो टॉर्क क्रिएट हुआ तो बॉडी नहीं घूमेगी, क्योंकि उसको तो कुछ टॉर्क की क्वांटिटी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां फोर्स लगाते हैं, यहां जब हम फोर्स लगाते हैं तो कितना टॉर्क क्रिएट होता है, आर इंटू एफ। अब आर की कुछ वैल्यू आ गई, इसलिए टॉर्क की भी वैल्यू आ गई, अब उस टॉर्क के कारण दरवाजा घूम जाता है। तो दरवाजे को घुमाने के लिए क्या चाहिए, ओनली फोर्स और टॉर्क,
याद रखिए टॉर्क, क्यों? क्योंकि मोशन कैसा है? रोटेशनल। इसी तरह से अगर हमको मोटरसाइकिल का इंजन घुमाना है, उसका व्हील घुमाना है, ये सब घुमाना है मतलब रोटेशनल मोशन है, तो हर एक पे हमको क्या चाहिए? टॉर्क। ठीक है, तो जहां रोटेशनल मोशन होगा वहां हमको टॉर्क चाहिए, वही रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करता है। ओके, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये टॉर्क की क्वांटिटी हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हम लेते हैं कि हम जो फोर्स लगाएंगे, हम फोर्स लगाते हैं और ये एक आर्म बनाकर रखते हैं, दिस इज आर्म ऑफ रोटेशन, ये बनाना हमारे हाथ में रहता है। जैसे अगर हमने एक व्हील को घुमाना है तो यहां पर हमने स्पैनर लगाया, स्पैनर लगाकर यहां पर फोर्स लगा के ऐसे घुमाया, ये क्या बना? आर्म ऑफ रोटेशन। अगर हमने यहां फोर्स लगाया तो ये आर्म ऑफ रोटेशन, यहां फोर्स लगाया तो ये आर्म ऑफ रोटेशन। ये जो पॉइंट है जो कि नॉन मूविंग पॉइंट है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहां से जितनी दूरी होगी उसको क्या बोला जाएगा? आर्म ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब एक बॉडी यहां पर नट बोल्ट से टाइट है, इसको हम ऐसे खोलना चाहते हैं, ये इतनी टाइट है कि अगर हम खोलेंगे रोटेशनल मोशन करके तो इसको कुछ टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। मान लो इसको टॉर्क चाहिए 100 टॉर्क देने से ये खुल जाता है, ऐसे खुल जाएगा। अब हमने क्या किया, यहां से 5 डिस्टेंस पर फोर्स लगाया ऐसे, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? टॉर्क हमको कितना चाहिए? 100। डिस्टेंस हमने कितना दिया है? 5, तो फोर्स कितना लगेगा? तो आंसर है 20। 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। 100 टॉर्क लगा, ये ऑब्जेक्ट खुल गया। अब हमारे पास 20 फोर्स नहीं, फोर्स हमारे पास 10 है, तो हम क्या करते हैं? यहां फोर्स नहीं लगाते, यहां लगाते। अब ये आर्म हमने कितनी बना दी? 10। रिक्वायरमेंट कितनी है टॉर्क की? 100। आर्म बना दी 10, तो फोर्स कितना लगेगा? 10। तो 10 इंटू 10 100, खुल गया। अब अगर हमने इसकी आर्म और लंबी कर दी और ये कर दी 20, अब बताइए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना टॉर्क चाहिए था हमको यहां पे? 100। आर्म कितनी लंबी है? 20। आर्म 20, तो फोर्स कितना लगेगा? 5। इस तरह से फोर्स को हम कम कर सकते हैं अगर हम रोटेशनल आर्म को बड़ी करें। तो आपने देखा होगा जब ट्रक का चक्का खोलना रहता है तो ट्रक का व्हील खोलने के लिए उसके नट बोल्ट टाइट रहते हैं, तो उसको हाथ से खोलना बड़ा मुश्किल होता है, तो ड्राइवर उसके साथ स्पैनर उसमें फंसाने के बाद इसमें एक और पाइप लगा देता है, ऐसा पाइप, और पाइप लगा के इस आर्म को और इतना लंबा कर देता है, इतनी लंबी आर्म हो जाती है, उसके बाद वो खुद उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, तो उसने कितना फोर्स लगाया? एमजी। तो वो इतना फोर्स लगाता है और इतना लंबा आर्म को कर देता है, तो उसका टॉर्क कैसा होगा? टॉर्क विल बी वेरी हाई, उतने टॉर्क में जाकर वो नट बोल्ट खुलता है। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ टॉर्क। तो ये टॉर्क में एफ और आर, तो जो एफ है वो हम लगाते हैं, उस एफ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, किसको? मैनोवियर करके। किसको कम या ज्यादा करके? आर्म। समझ आया? इस तरह से आर्म को कम या ज्यादा करके हम फोर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हर चीज को घूमने के लिए एक टॉर्क चाहिए, टॉर्क फिक्स होता है, फोर्स फिक्स नहीं होता। दरवाजा खोलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन होना चाहिए दरवाजा खोलने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी मर्जी है कि हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं कि यहां लगा रहे हैं, उसके
उसके अनुसार फोर्स ज्यादा, उससे कम और उससे कम होगा। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से हम फोर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टॉर्क उस पर्टिकुलर केस में जिस केस में टॉर्क फिक्स होता है। ओके, अब उसके बाद टॉर्क की कैलकुलेशन हमने की फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब इसमें एक चीज आती है, टॉर्क का यूनिट क्या होना चाहिए। टॉर्क का यूनिट, तो टॉर्क को हमने बनाया किस चीज से है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो अगर ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो टॉर्क का यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर। नोट कर लीजिए, यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, एम एल टी माइनस टू, और साथ में डिस्टेंस के लिए क्या लग जाएगा, एल। सो दिस विल बी हाउ मच, ये एक एल और आ जाएगा, ये डायमेंशन हो गई टॉर्क। ठीक है, ये टॉर्क की डायमेंशन नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद रोटेशनल मोशन में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्रिएट करता है, किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट करता है। तो टॉर्क घूमने वाली चीज में क्या क्रिएट करेगा, तो आंसर है घूमने वाली चीज में वो भी एक्सीलरेशन ही पैदा करेगा। अगर फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करता है तो टॉर्क क्या पैदा करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो लिखिए, जस्ट लाइक फोर्स क्रिएट्स लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क क्रिएट एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्रिएट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, आर एफ, एफ को हम इस तरह से लिखते हैं, एफ इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो दिस वी कैन राइट एज मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला आपको याद है, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो इसको आर इंटू अल्फा किया हमने, तो ये क्या हुआ, आर एम आर अल्फा। ये क्या चीज है, एम आर स्क्वायर अल्फा, और एम आर स्क्वायर किसी पार्टिकल का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, दिस इज टॉर्क। ये टॉर्क का मेजरमेंट बना, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विच इज रोटेटिंग, एंड अल्फा इज इट्स एक्सेलरेशन। फिर से फोर्स क्या पैदा करता है, लीनियर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या पैदा करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो टॉर्क इज आई इंटू अल्फा।
अब आपके पास टॉर्क के दो फॉर्मूले हो गए, आर इंटू एफ आई इंटू अल्फा। ये दोनों फॉर्मूलर आपको याद रखने हैं, जगह जगह हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं। ये टॉर्क की जो क्वांटिटी निकली, अब हमने इसको स्टडी करना है वेक्टर के फॉर्म में। क्या आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस क्लास में? ओके, तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। आर क्रॉस एफ, इसका क्या मतलब है? टॉर्क नंबर एक, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा, आर एफ साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू। राइट हैंड स्क्रू रूल हमने पढ़ा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये आर है, ये हमने ऊपर एफ लगाया। तो यहां पर एक्स की डायरेक्शन में आर है, वाई की डायरेक्शन में एफ है, तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी? तो आंसर है, ये आई की डायरेक्शन में, ये जे की डायरेक्शन, I cross J is equal to A। Right hand screw rule क्या बोलता है? Right hand screw rule कहता है कि R और F की direction में rotation करिए screw का। Screw को पहले किधर ले जाना है? R, फिर किधर ले जाना है? F। तो अपने हाथ को ऐसा घुमाइए, पहले किधर? R, फिर F किधर है? ऊपर। तो ऊपर ऐसा ही हमने, तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी, ये अंगूठे की डायरेक्शन हमको क्या देती है? टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। पहले क्या लेना है? आर, तो हाथ को आर की डायरेक्शन में खड़ा करिए, फिर एफ की तरफ इसको ऐसा मोड़िए, फिर ये ऐसा आ गया, तो ये जो तीसरी डायरेक्शन है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये किसकी डायरेक्शन है? टॉर्क। अगर मैं आपको कहूंगा कि इसमें एफ क्रॉस आर कर दीजिए, तो कैसे करेंगे? तो पहले हम ऊपर डायरेक्शन करेंगे एफ, ये एफ ऊपर। अब आर किधर है? इधर, आर की तरफ मुड़ो, तो ये तो इधर मुड़ता नहीं है, तो हमने इसको ऐसा किया, अब ये ऐसा हो गया। पहले हाथ किधर किया? एफ। अब ये किधर मुड़ा? आर, एफ आर। तो अंगूठा ऑटोमेटिकली किधर हो गया? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ डायरेक्शन कैसी होती है? निगेटिव। तो एफ क्रॉस आर किसके बराबर होगा? माइनस का। और पहले आर करेंगे फिर एफ करेंगे, तो क्या आएगा? प्लस का। इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर नहीं, ये याद रखिए। So, R cross F is equal to torque। लेकिन अगर आपने F cross R कर दिया, तो ये magnitude तो वही आएगा, लेकिन direction कैसी हो जाएगी? Opposite, उल्टी direction आ जाएगी। और इसी को आपने
वेक्टर अलजेब्रा में किया हुआ है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, लेकिन अगर जे क्रॉस आई कर देंगे तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, तो इसकी डायरेक्शन उल्टी है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, समझ में आ गया। और यही डायरेक्शन का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में हर चीज पर है, जैसे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल एक्सेलरेशन, रोटेशनल फोर्स दैट इज टॉर्क, उसके बाद और आगे आएगा एंगुलर मोमेंटम, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, और सबकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, और सबका फॉर्मूला आर मल्टीप्लाइड बाय ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, और बाहर की तरफ राइट हैंड स्क्रू रूल हर एक में लगता है। ओके, तो ये टॉर्क का आपको याद रखना है कि पॉजिटिव टॉर्क निगेटिव टॉर्क किस तरफ होते हैं, और पॉजिटिव टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आर क्रॉस एफ। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, ये कहां से आ गई, टॉर्क की क्वांटिटी आर एफ साइन थीटा, तो टॉर्क की क्वांटिटी आर एफ साइन थीटा कैसे होती है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहां पर हमने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर लिया और यहां पर एक फोर्स लगाया एफ, इसकी डायरेक्शन और फोर्स के बीच में एंगल है थीटा, तो इस एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा दिस इज एफ साइन थीटा, f cos theta is along the r, f sin theta is perpendicular to r. अब ये दोनों फोर्स के ही हिस्से हैं। अब आप बताइए, ये वाला फोर्स लगाएंगे आप, तो ये वाला पॉइंट घूमेगा या खिंचता चला जाएगा? f sin theta हमने लगाया, तो ये ऐसा खिंचता चला जाएगा, घूमेगा नहीं। f sin theta ऐसा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये पॉइंट घूमेगा। तो घुमाने के लिए कौन सा चाहिए? एफ साइन थीटा की एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। और टॉर्क की कैलकुलेशन क्या होती है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्टेंस, तो कौन सा फोर्स लेना? एफ साइन थीटा, सो एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर, एफ आर साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरा तरीका देखिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने का, ये पोजीशन वेक्टर है आर, ये फिक्स पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहां पर हमने फोर्स लगाया है, और फोर्स और आर की डायरेक्शन के बीच में थीटा एंगल बनता है, अगर ये थीटा एंगल बनता है, ये फोर्स है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो यहां से हमने इस फोर्स की डायरेक्शन पर एक परपेंडिकुलर बनाया, ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आर है, ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है ऐसा, ये थीटा है, ये आर है, तो ये वाले साइड की लेंथ कितनी होगी? आर कॉस थीटा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। अब ये फोर्स जब लगता है तो आर कॉस थीटा के साथ साथ ऐसे लगता है, ये इसको नहीं घुमा सकता है, इस पॉइंट को घुमाना है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर साइन थीटा, और इस डायरेक्शन पे फोर्स लगता है, ये देखिए, ये वाला फोर्स लगा एफ, और ये डिस्टेंस है आर साइन थीटा, ये हैंडल बन गया और इसमें इसको घुमा दिया, तो यहां पर टॉर्क कितना बना? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एफ इनटू आर साइन, ये टॉर्क की क्वांटिटी आ गई। तो जब हमने एफ के दो टुकड़े किए और टॉर्क निकाला एफ आर साइन थीटा, यहां पर हमने आर के दो टुकड़े किए
और टॉर्क निकाला, एफ आर साइन। दोनों तरह से हमको फोर्स क्या मिलता है, एफ आर साइन थीटा। इस तरह से जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमको टॉर्क देता है, और इसी के लिए हमने वेक्टर अलजेब्रा बनाया। ये वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस, क्योंकि एफ ऐसा है और आर ऐसा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने ये लिखा आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क बनेगा, और ये ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से इस तरह से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। ओके, ये हमको आर और एफ इन दोनों की वैल्यू दी गई है वेक्टर के फॉर्म में। एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2, 3, 4, -1, -2, उसी तरह से ये भी कुछ हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो टॉर्क की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपने देखा हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में आई जे के। यहां पर क्या लिखना है, एक्स वाई जेड, और यहां पर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इसका सॉल्यूशन आप सबको आता है, वेक्टर अलजेब्रा में हम इसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, और उससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू आई, आई के सामने ब्रैकेट में क्या आएगा, वाई इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई प्लस जी, जी के सामने क्या आएगा, जेड इंटू एफ एक्स, जेड इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ वाई प्लस के, और के के सामने आएगा एक्स इंटू एफ वाई, एक्स इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स, वाई इंटू एफ एक्स। इस तरह से ये आ गया टॉर्क। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल अभी करके देखेंगे, then you will come to know, इसको और प्रैक्टिस करें। ओके, तो बाकी टॉर्क का अगली क्लास करेंगे।